तो रामायण जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने द्वारा रचित है, उनका किष्किंधा कांड का जो अंतिम चौपाइयाँ हैं, वहाँ से मैंने ये प्रसंग उठाया है और अपनी पंक्तियों में इसको लिखने की कोशिश की है थोड़ा सा। तो कोई त्रुटि हो, कोई गलती लगे आपको तो क्षमा करना सभी। और इन चौपाइयों में मैंने लिखा है कि जब जामवंत जी, हनुमान जी और अंगद जी समुद्र किनारे पे थे और सीता मैया की खोज के लिए वो विचार कर रहे थे कि समुद्र पार कैसे करना है, तब जामवंत जी हनुमान जी के पास जाते हैं, उनको उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हैं और उनको बताते हैं कि आपका जो जन्म है वो राम काज के लिए हुआ है, राम काज करने के लिए हुआ है, और आप उठिए और भगवान का कार्य करके आइए, समुद्र पार जाइए और सीता जी का पता लगाइए। तो उनको पंक्तियों में संजोया है। शुरू करते हैं, एक बार जय श्री राम का नारा लगा दे सभी, बोलिए जय सियावर रामचंद्र भगवान की। अंगद हनु समेत सब वानर चले थे सिया सुधी पाने को, अंगद हनु समेत सब वानर चले थे सिया सुधी पाने को, करे विचार समुद्र किनारे समुद्र पार लंघ जाने को। जामवंत ने गौर किया कि हनुमान ध्यान में बैठे हैं, जामवंत ने गौर किया कि हनुमान ध्यान में बैठे हैं, राम राम का नाम जाप कर मौन साधे बैठे हैं। तुम पवन पुत्र, तुम राम दूत, तुम पवन पुत्र, तुम राम दूत, तुम मंजनी सुत बलवान हो, बुद्धि विवेक विद्या के तुम परम करुणा निधान हो। यूना बैठो मौन साधे, यूना बैठो मौन साधे, तुम बिन सिया सुधि लाए कौन, और राम काज लई जन्म भयो फिर राम काज कर आए कौन। फिर राम काज लई जना। देखिए यहाँ पे जामवंत जी ने हनुमान जी की सभी जो भी उनके अंदर गुण थे सभी गिनवा दिए। तुम बलवान हो, तुम पवन पुत्र हो, और तुम जो अंजनी सुत हो, राम भक्त हो, फिर भी हनुमान जी उठे नहीं। जब उनको कहा कि आपका जन्म भगवान श्री राम के कार्य को करने के लिए हुआ है, तो हनुमान जी ने एकदम विशाल का रूप धारण कर लिया। आगे की पंक्तियों में लिखा है, यूना बैठो मौन साधे तुम बिन सिया सुधि लाए कौन, राम काज लई जन्म भयो फिर राम काज कर आए कौन। यह सुन हनुमत क्षण भर में फिर पर्वताकार रूप धरयो, दीजियो उचित सिखावनी मोही जाके लई मोही जन्म भयो। जामवंत मैं पूछूं तो से लंका को मैं कुचल दूं, और बीच मुष्टिका रख रावण को चीटी समझ में मसल दूं। जामवंत भी चकित रह गए रूप जो यूं विकराल धरा, राम काज करने को प्रभु ने विशाल भयंकर रूप धरा। कहा प्रभु शांत रहो, कहा प्रभु शांत रहो, बस काम इतना कर आना है, सीता मैया खोज तुम्हें तुरंत वापिस आना है, सीता मैया खोज तुम्हें तुरंत वापिस आना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अगला आप सबके लिए धर्म, कुछ ना कुछ आप लोगों के माइंड में रहता होगा कि धर्म क्या है। सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। ऐसे ही मैं भी एक दिन बैठा था और धर्म की परिभाषा सोच रहा था कि मेरे लिए धर्म क्या है। फिर मैंने ये पंक्तियाँ लिखी थी कि धर्म परायण हो आज मैं धर्म की गाथा लिखता हूँ, धर्म परायण हो आज मैं धर्म की गाथा लिखता हूँ, मेरे लिए है धर्म क्या वो परिभाषा लिखता हूँ। सबसे पहले कर्म है आते, सबसे पहले कर्म है आते, फिर संस्कार अनुशासन है, चरित्र त्याग और मर्यादा पे धर्म का ही शासन है, चरित्र त्याग और मर्यादा पे धर्म का ही शासन है। त्याग कर जो इन गुणों का अधर्म का राग गाता है, त्याग कर जो इन गुणों का अधर्म का राग गाता है, देखा है मैंने उसको स्वयं धर्म त्याग कर जाता है, देखा है मैंने उसको स्वयं धर्म त्याग कर जाता है। और आगे लिखा है, रावण और कर्ण को देखो अच्छा एक उदाहरण है, रावण और कर्ण को देखो अच्छा एक उदाहरण है, निपुण और कुशल थे दोनों, बस अधर्म एक कारण है, जो समय आने पर विद्या का ज्ञान उनको नहीं हुआ, जो समय आने पर विद्या का ज्ञान उनको नहीं हुआ, अधर्म चयन कर धर्म का फिर ज्ञान उनको नहीं हुआ, अधर्म चयन कर धर्म का फिर ज्ञान उनको नहीं हुआ। चरित्र की भी जीवन में भूमिका महत्वपूर्ण है, चरित्र की भी जीवन में भूमिका महत्वपूर्ण है, संतोष सब्र से रहना ही धर्म के अनुकूल है,
तो धर्म जानो या ना जानो, बस एक कहा ये मान लो, निस्वार्थ कर्म से कर्मठ हो, आज से तुम ठान लो कि चरित्र न देंगे डिगने, संस्कारों से अनुशासित हो, कि चरित्र न देंगे डिगने, संस्कारों से अनुशासित हो, मर्यादा में रहकर फिर मर्यादित ही परिभाषित हो, मर्यादा में रहकर फिर मर्यादित ही परिभाषित हो। पुरुषोत्तम बनना है तो त्याग कष्ट उठाना होगा, पुरुषोत्तम बनना है तो त्याग कष्ट उठाना होगा, धर्म परायण होना है तो अभिमान नष्ट कराना होगा, धर्म परायण होना। शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। लास्ट है, मुझे लगता है शायद ये काफ़ी अच्छी भी लिखी है मैंने, हरि की कृपा है। चरित्रता की बात करूं, स्वयं को चरित्रहीन लिखूं, चरित्रता की बात करूं, स्वयं को चरित्रहीन लिखूं, दानव राक्षस अंदर से मैं बाहर से सुशील दिखूं, दानव राक्षस अंदर से मैं बाहर से सुशील दिखूं। अंतर मन के देव मानुष थर 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 कांपते हैं, अंतर मन के देव मानुष थर 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 कांपते हैं, अभिमानी अहंकारी रावण मन में जब जब झांकते हैं, अभिमानी अहंकारी रावण मन में जब जब झांकते हैं। आंशिक रूप से रावण हूँ मैं, आंशिक रूप से रावण हूँ मैं, रामचंद्र का भी वास है, दोनों थे जो अलग थलग अब एक देह में निवास है, दोनों थे जो अलग थलग अब एक देह में निवास है। वासना से परिपूर्ण और भक्ति भाव भी बहते हैं, वासना से परिपूर्ण और भक्ति भाव भी बहते हैं, कली के प्रभाव से वो माया के संग रहते हैं, कली के प्रभाव से वो माया के संग रहते हैं। बोले चेहरों में छिपा हुआ, भोले चेहरों में छिपा हुआ देवों सा दानव हूँ मैं, भोले चेहरों में छिपा हुआ देवों सा दानव हूँ मैं, दया भाव की ओट में छिपा क्रूर सा मानव हूँ मैं, कली काल में जन्म लिया, कली काल में जन्म लिया, आसुरी भाव से पूर्ण हूँ, क्रोध अहंकार ईर्ष्या और वासना से संपूर्ण हूँ, कुरीतियों का सेवक मैं, कुरीतियों का सेवक मैं, मन के भाव में मोह गया, देवताओं का वास तो है पर असुर स्वभाव सा हो गया, देवताओं का वास तो है पर असुर स्वभाव सा हो गया। मैं हरि गुण से गुणवान बना, मैं हरि गुण से गुणवान बना, और अवगुण मुझ में कलयुग के, मैं राक्षस असुर प्रवृत्ति का और कभी देव जैसे हों सतयुग के, मैं राक्षस असुर प्रवृत्ति का कभी देव जैसे हों सतयुग के। इन दो चेहरों के बीच में मैं दोहरा चरित्र निभाता हूँ, परिस्थितियों के अनुसार मैं मानव दानव बन जाता हूँ, परिस्थितियों के अनुसार मैं मानव बन। धन्यवाद, धन्यवाद, जय सिया राम।